हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू लेक्चर नंबर 1 बेस्ड ऑन द टॉपिक द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, आज से हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे या आप लोगों ने सुना भी होगा सब लोगों से कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी रटने वाली होती है, बट ऐसा 100% नहीं सही है, क्योंकि पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि रटने वाला है। कई लोग तो ये बोलते हैं कि केमिस्ट्री ही पूरा रटने वाला सब्जेक्ट है, जबकि मुझे नहीं लगता कि फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रटा जाता है। हाँ, फॉर्मूले जरूर रिवाइज किए जाते हैं, वो तो मैथ्स में भी रिवाइज किए जाते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पर्टिकुलर बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते हैं कि पूरी तरह से रटा जाता है। ऐसा सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ सही होता है जिनका बेस वीक होता है, जिनके बेसिक्स ही नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको ये जरूर लगेगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा रटने वाला यूनिट है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ रखा है क्लास 11th में, तो वो सारे के सारे रीजनिंग्स, वो सारे के सारे पॉइंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे भी यूज होने वाले हैं क्लास 12th में, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को समझने के लिए यूज होने वाले हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं बेसिकली बात करूं तो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक के अंदर भी मैं बता रहा हूं आपको, तो ये तीन चैप्टर ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल भी नहीं रटा जाता है। हाँ, लर्निंग वाला काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, बल्कि आप यूं कह लीजिए कि थोड़ा ज्यादा हो जाता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो पूरी केमिस्ट्री में अगर कहीं लर्निंग वाला काम है तो वो एस, पी, डी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में है। बट लोगों की रीजनिंग नहीं सही है, स्टूडेंट्स की रीजनिंग नहीं सही होती है, वो बेसिक्स अपने अच्छे नहीं रखते हैं, इसलिए उनके माइंड में एक मिसकॉन्सेप्शन आ जाता है कि फिजिक्स और मैथ तो एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री एक लर्निंग वाला सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, तो अब मैं बात करता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो एस, पी, डी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी, यहां पर भी ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे चैप्टर में रटा जाता है। यहां पर हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर में आपको खुद एनालाइज होगा कि यहां पर ये पूरा तो लर्निंग वाला है ही नहीं। जैसे कि मैं अगर पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जब मैं पहले इंट्रोडक्शन करूंगा और जब इनकी जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा, जब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा, तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि 100% लर्निंग वाला है। हाँ, कॉन्सेप्ट जरूर है और कॉन्सेप्ट तो आपको रिवाइज करने ही पड़ेंगे। तो लर्निंग वाला पोर्शन आखिर है कहां पर? तो लर्निंग वाला पोर्शन सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन पार्ट पे है। जब आप नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स और फास्फोरस के कंपाउंड्स, तो नाइट्रोजन फैमिली में जब आप कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो कंपाउंड्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, इनको लर्न करना पड़ेगा और यूजेस इनको लर्न करना पड़ेगा। तो सिर्फ एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज को कभी नहीं लर्न करना है। प्रॉपर्टीज का मतलब जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को कभी लर्न नहीं किया जाता है, बल्कि उनको बहुत अच्छी तरीके से समझा जाता है, क्योंकि हमारे रीजनिंग क्वेश्चंस में से वही क्वेश्चंस बन के आएंगे जो जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हैं। सिर्फ कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उनमें यूज होने वाले केमिकल रिएक्शंस, वहां पर थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। आप कह लीजिए कि पूरे केमिस्ट्री में सिर्फ यही वाला पोर्शन ऐसा है जो कि प्योर लर्निंग वाला है। ओके, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहली चीज तो 100% लर्न नहीं की जाती है।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो प्योर कॉन्सेप्चुअल है, प्योर समझने वाला है। यहाँ पर आज हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और उसमें हम सारी प्रॉपर्टीज रीजनिंग वाइज पढ़ेंगे, और उनकी रीजनिंग कहाँ से मिल रही होगी, उनकी रीजनिंग जनरेट हो रही होगी सिर्फ दो चैप्टर की हेल्प से, और वो दो चैप्टर है 11th क्लास के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर और केमिकल बॉन्डिंग। अब अगर किसी का 11th का बेस ही वीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग अगर उसने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो उसको वो पोर्शन जरूर लर्न करने वाला लगेगा। बट अगर किसी ने अच्छे से पढ़ रखा है तो उसको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, और उसको लगेगा कि हाँ यहाँ पर भी कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें चल रही हैं। सिर्फ जब मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स जब स्टार्ट करूंगा, तो फिर वहां पर ही कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं, वहां पर ही आपको लगेगा कि ये लर्निंग वाला पार्ट है, इसको लर्न किया जाता है। तो अब केमिस्ट्री में इतना तो लर्न करना बनता ही है, आखिर बाकी सारी चीजें तो कॉन्सेप्चुअली चल ही रही हैं। तो बट आपके अंदर जो मिसकॉन्सेप्शन भरा हुआ है केमिस्ट्री को लेकर कि ये प्योर लर्निंग वाला है, वो अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मैं पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट लेक्चर होने के बाद आपके माइंड से निकल भी जाएगा, आपको लगने लगेगा कि हाँ यहाँ पर भी समझने वाला है। लेकिन अगर आपका 11th का बेस वीक है, तो मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और फिर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़िए। ओके, तो आज से स्टार्ट करते हैं अपना पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखिए है क्या। सबसे पहले तो एक जनरल इंट्रो हो जाए, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इसमें बहुत सारे हैं, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है ना, हैलोजन फैमिली है, नोबल गैसेस हैं। तो पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट में 12th वाला पोर्शन, तो 12th वाले पोर्शन में नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और नोबल गैसेस, तो इतने टॉपिक्स हैं। तो चलिए देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और नोबल गैसेस, ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं कुछ, इनको मिलाकर पूरा एक यूनिट बनना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम 12th क्लास की केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स में यही स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक 11th क्लास का पी ब्लॉक है और एक 12th क्लास का पी ब्लॉक है। तो 12th क्लास के पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली से लेकर और नोबल गैसेस तक है, यानी ग्रुप नंबर 15 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक है, और 11th क्लास के पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14, यानी कि बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नाइट्रोजन फैमिली से। ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, इन एलिमेंट्स को कॉमनली बोला जाता है निक्टोजेंस, और निक्टोजेन वर्ड का मतलब होता है पॉइजनस सब्सटेंस। तो लिख लेंगे ये पॉइंट, द एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट को ग्रुप 15 एलिमेंट या फिर फिफ्थ ए एलिमेंट भी बोला जाता है, आर कॉमनली नोन एज निक्टोजेन। इसमें पी साइलेंट है, निक्टोजेंस, और निक्टोजेन वर्ड का मतलब होता है
poisonous substance, okay? निट्रोजन बोलते हैं, निट्रोजन वर्ड का मतलब है poisonous substance. तो फर्स्ट पॉइंट नोट कर लेंगे. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. अगर मैं एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन की बात करूं तो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में 78% बाय वॉल्यूम तो नाइट्रोजन ही अगर करता है इन द एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन. 78% by volume occur nitrogen. थर्ड पॉइंट पे आते हैं. 78% by volume तो नाइट्रोजन ही असर करता है. नाइट्रोजन हमें अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में मिलता है? तो नाइट्रोजन हमें अर्थ क्रस्ट में चिली सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर इन सब फॉर्म में मिलता है. तो अगला पॉइंट लिख लेंगे, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट in the form of nitrogen is present in the earth crust in the form of chili salt peter. chili salt peter ko bolte hain NaNO3 और इंडियन सॉल्ट पीटर जिसे हम नाइटर भी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है KNO3 इन फॉर्म में मिलता है. ओके, तो ये तो हो गया अपना जनरल इंट्रोडक्शन, नोट कर लेंगे आप. और नाइट्रोजन फैमिली में मैंने एलिमेंट्स तो आपको बता ही दिए. तो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ. उसको मैं लिख भी देता हूं. अगले हेडिंग पे आते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. तो अगली हेडिंग पे चलते हैं, जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. अब देखिए, जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम क्या कवर करने वाले हैं? मैं इसी हेडिंग की बात कर रहा था कि जो प्योरली कॉन्सेप्चुअल है, जो प्योरली रीजनिंग पर बेस्ड है जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसमें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो लेंगे ही और साथ ही साथ एलिमेंट्स या उनके जो कंपाउंड्स हैं उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज का भी यूज करेंगे. जैसे नाइट्रोजन फैमिली में फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ हैलाइड, नेचर ऑफ हाइड्राइड, इनके बारे में भी बात करेंगे. तो इन नाइट्रोजन फैमिलीज में हाइड्राइड, हैलाइड और ऑक्साइड के बारे में और ऑक्सो एसिड के बारे में, इनके बारे में भी बात करेंगे. तो ये पूरा अपना कंप्लीट हो जाएगा एक जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. इसके बाद अपने को सिर्फ कंपाउंड्स पढ़ने रहेंगे, कंपाउंड्स में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस. तो इस तरीके से हम पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं. ओके, चलिए देखते हैं. तो जनरल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हेडिंग डाल देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो चलिए देखते हैं. एलिमेंट्स अपने पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये एलिमेंट्स. तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करूं तो क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2, 2p3. ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन करना तो आप लोगों ने 11th क्लास में सीखा ही होगा, आता ही होगा.
और नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसका 7 होता है, इसका 15 होता है, और नीचे अगर आपको नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना याद किए हुए भी आप लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब आप एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2s2, 2p3 आया, यहाँ पर 3s2, 3p3 आया, तो बताइए यहाँ पर भी 1s2 से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्या आएगा, 4s2, 4p3, है ना। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा, 5s2, 5p3, और यहाँ पर क्या आएगा, 6s2 और 6p3। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेप बाय स्टेप नंबर ऑफ शेल बढ़ता जा रहा है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP3। अब यहाँ पर N क्या है, N belongs to principal quantum number, यानी कि number of shell को belong कर रहा है। तो ये nitrogen family का general electronic configuration हो गया, जहाँ पर N number of shell है, okay? यहाँ तक note कर लेंगे। Second heading पे आएंगे, electronic configuration के बाद number 2, valency। तो अब बात करते हैं हम valency की। तो वैलेंसी में क्या है, तो देखिए नाइट्रोजन फैमिली में एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, और 5 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसको फिफ्थ ए कहा जाता है, और ये फिफ्थ ए और बी इस तरीके से ग्रुप को आगे सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था, पीरियोडिक प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा। और IUPAC के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, ग्रुप ये A और B को हटाकर ग्रुप नंबर 1 से लेकर टोटल 18 तक लगा दिया, तो ग्रुप 15 बोल लीजिए या फिफ्थ A बोल लीजिए। खैर वैलेंसी पे आते हैं, तो वैलेंसी का मतलब हो गया कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सिर्फ 3 ही चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 3। ओके, तो लिख लेंगे, they have 5 electron in their outermost shell. Outermost shell का दूसरा नाम बताइए, outermost shell को और क्या कहते हैं, outermost shell या फिर valence shell या फिर ultimate shell, outermost shell या फिर valence shell या फिर ultimate shell। ये आज पहला चैप्टर अपना चल रहा है नाइट्रोजन फैमिली पी ब्लॉक एलिमेंट में, ऐसे ही ऑक्सीजन फैमिली हैलोजन फैमिली और नोबल गैस और डीएनएफ ब्लॉक चलेगा। तो अभी के लिए मैं थोड़ा स्लोली आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिर किस तरीके से अपने को SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना होता है। अगले चैप्टर में थोड़ा स्पीड अप आ जाएगा क्योंकि आप सारी चीजें समझ चुके होंगे और मैं फिर यही सब रिपीट कर रहा हूंगा, तो हेडिंग्स तो यही होंगी, सिर्फ एलिमेंट्स बदल जाएंगे और उनकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो दे हैव 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, सो देयर वैलेंसी विल बी 3, सो देयर वैलेंसी विल बी 3। ओके, कर लेंगे। अगले हेडिंग पे आते हैं, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने सुना होगा ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि कंपाउंड्स में एलिमेंट का चार्ज क्या है, और वो चार्ज हाइपोथेटिकल भी हो सकता है और वो चार्ज रियल भी हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट की, यानी मैं बात कर रहा हूं ग्रुप 15 के एलिमेंट की या फिफ्थ ए की, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +5, ये हो जाएगी इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने OS लिख रखा है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो नंबर +5 -8, तो कितना हो जाएगा -3। तो अब आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स होंगे
वो चाहे कुछ भी बना ले, कोई भी कंपाउंड बना ले, उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? +5, और उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? -3। अब सपोज अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप ये रट रहे हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो सकती है और ये हो सकती है ना, तो आप ये नोट कर लेंगे +5 और -3। बट एक बात आप याद रखिएगा, ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई, ये ट्रिक वैलिड होती है सिर्फ और सिर्फ कार्बन फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में और हैलोजन फैमिली में। जरा सोच के देखिए कि अगर आप इसी ट्रिक को एल्कली मेटल में लगाते, यानी ग्रुप 1 के एलिमेंट में लगाते, तो क्या होता? बिल्कुल गलत होता, क्योंकि अगर ग्रुप 1 के एलिमेंट में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 1, तो +1, ये बात तो सही है, लेकिन क्या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 1-8, तो क्या -7 लिखते? तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सभी मेटल्स हैं, तो वो तो सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेंगे। ओके, तो यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा, द अबव ट्रिक is valid only from group 14 to group 17, only from group 14 to group 17, okay? तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजन फैमिली है तो खूब लगाओ, और यही आएगा और हमेशा यही आएगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हम नेक्स्ट फैमिली में जब पढ़ रहे होंगे ऑक्सीजन फैमिली में, तो ग्रुप 16 एलिमेंट में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? तो वैलेंस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, तो +6, और मिनिमम क्या होगी? तो 6-8, तो कितना हो जाएगा? -2। तो ऑक्सीजन फैमिली में -2 से +6 चलेगा, हैलोजन फैमिली में -1 से +7 चलेगा, और इसी तरीके से नाइट्रोजन फैमिली में -3 से +5 चलेगा। आप जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन फैमिली के कंपाउंड जानते हैं या फॉस्फोरस के जानते हैं, नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी कंपाउंड आप उठा लीजिए, उसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट 5 ही मिल सकती है मैक्सिमम, और मिनिमम -3 मिल सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। हाँ, इसके बीच में सारी मिलेगी, लेकिन इसके ऊपर और इसके नीचे कुछ नहीं मिलेगा। ओके, अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी आपको शॉर्ट आइडिया दे देता हूं। सपोज एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है इसी कंपाउंड्स में, इसी फैमिली के कंपाउंड में, तो वो कैसा होगा, वो किस तरीके से एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट रिकॉल करा दूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस होगा, उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का मतलब दूसरे के लिए, ठीक इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। अब आप सोचिए, अगर कोई एलिमेंट, नाइट्रोजन फैमिली का कोई एलिमेंट इस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठा है, तो क्या वो खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है? कभी नहीं, यानी वो खुद क्या होगा? रिड्यूस, तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो ये इस तरह, अगर कोई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठा होगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि वो दूसरे को, सॉरी, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, वो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस, और दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। लेकिन अगर नाइट्रोजन फैमिली का कोई एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर बैठा है, तो सोचिए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो इससे नीचे तो जा नहीं सकता, तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। ओके, खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस, तो किसकी तरह काम किया? रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर बैठा है तो खुद क्या करेगा? रिड्यूस, और दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, तो ये कैसा हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप देख सोच लीजिए यहां पर, जैसे कि HNO3 को क्यों बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +5, तो +5 होता है तो नीचे तो जाएगा, यानी खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। ओके, और अगर कोई मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो वो क्या होगा? जैसे NH3 ले लीजिए आप, तो -3 आ रहा है, अगर -3 आ रहा है तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज, तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब बात करते हैं, अगर कोई एलिमेंट मिडिल ऑक्सीडेशन
कंडेंसेशन स्टेट शो करता है माइनस थ्री से प्लस फाइव के बीच में कहीं भी, तो वो दोनों की तरह काम कर सकता है, वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और वो रिड्यूस भी हो सकता है, यानी कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। ओके, ये ट्रिक नोट कर लेंगे और अगले हेडिंग पे आते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर पे, एटॉमिसिटी। अब बात करते हैं एटॉमिसिटी, तो चलिए देखते हैं एलिमेंट कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन की टेंडेंसी क्या है, तो नाइट्रोजन डायमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी नाइट्रोजन क्या बनाएगा, N2, फास्फोरस P4, आर्सेनिक As4, एंटीमनी Sb4, और ये शो करेगा मेटल है तो मेटैलिक बॉन्डिंग शो करेगा, ये शो करेगा मेटालिक बॉन्डिंग। ओके, तो आप देख सकते हैं बिस्मथ तो मेटल है, एक आइडिया आपको बता दूं, नाइट्रोजन और फास्फोरस कैसे होंगे, नॉन मेटल होंगे, आर्सेनिक और एंटीमनी कैसे होंगे, मेटलॉइड होंगे, और बिस्मथ कैसा होगा, मेटल है, तो मेटल है तो मेटालिक बॉन्डिंग शो करेगा, तो इसको तो हटाते हैं। नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सब टेट्रामेरिक फॉर्म शो कर रहे हैं, सिर्फ नाइट्रोजन डायटॉमिक फॉर्म शो कर रहा है, तो डायटॉमिक कौन है, सिर्फ नाइट्रोजन, बाकी सभी कैसे हैं, टेट्राएटॉमिक। तो इस पॉइंट को लिख लेंगे। ओनली नाइट्रोजन इज डायटॉमिक व्हाइल फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आर टेट्राएटॉमिक, और बीआई शो कर रहा है, बीआई शोस मेटैलिक बॉन्डिंग, बीआई शोस मेटैलिक बॉन्डिंग। अब आपको ये तो हर किताब में लिखा मिल जाएगा, बट आपको अपने नोट्स में क्या खास बनाना है जो कि किताबों में आपको जल्दी नहीं मिलेगा या सही वे में नहीं मिलेगा, तो आप क्यों नोट्स बना रहे हैं वो भी समझ लीजिए। तो आपको एक तो आप एक सिस्टमैटिक वे में लिखते जा रहे हैं जिससे आपका खुद लिखा हुआ आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, और दूसरी चीज कि यहां पर आपको प्रॉपर्टीज की रीजनिंग भी लिखनी है, तो रीजनिंग आपको हर बुक में नहीं मिल पाएगी तुरंत प्रॉपर्टी के बाद, या लिखी भी मिलेगी तो उसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा या बहुत ही हिडन करके लिख रखा होगा, तो आप प्रॉपर रीजन लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब इसका रीजन क्या है, यही तो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यहां पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इसको भी मैं लर्निंग की कैटेगरी में डाल देता। ओके, तो रीजन क्या है, आखिर क्यों नाइट्रोजन N2 बनाता है और बाकी सब P4 बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो अभी इसका साइज क्या है, छोटा, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। अब स्मॉल साइज होने की वजह से, सेकेंड पीरियड एलिमेंट होने की वजह से, ये पी पाई बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी रखता है, जबकि फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी इनका साइज थोड़ा बड़ा है और ये पी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं, क्योंकि पी पाई बैक बॉन्डिंग जो होगी, पी पाई जो बॉन्डिंग होगी वो यहां पर वीक होगी, तो फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी वीक बॉन्डिंग क्यों बनाएंगे, इसीलिए ये दूसरे एलिमेंट के साथ सिग्मा बॉन्ड ही सिर्फ बनाते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे ही नहीं, जबकि नाइट्रोजन इजीली फॉर्म कर जाएगा पाई बॉन्ड। तो इसका रीजन क्या हुआ, क्यों नाइट्रोजन डायटॉमिक है, तो डायटॉमिक इसका नेचर इसलिए है, तो लिख लेंगे, नाइट्रोजन हैज ग्रेटर टेंडेंसी, नाइट्रोजन हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्डिंग,
वो कैसे, देखिए नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन, पहले ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और इसके बाद ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, और ये पाई बॉन्ड कौन सा है, 2p pi बॉन्डिंग है इनके बीच में। तो 2p pi बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है पाई बॉन्डिंग, 3p pi इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, इसीलिए ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता है। और आर्सेनिक भी वैसा ही करता है टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में, तो N तो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट हो गया, और बाकी P की अगर मैं बात करूं तो वो फास्फोरस ऐसे एग्जिस्ट होता है P4 इस तरीके से। ओके, तो ये सभी सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इस ये जो मैं स्टेटमेंट बोला हूं इसका सपोर्ट करने के लिए आप देख सकते हैं इसकी बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 इज हाई, N2 की बॉन्ड एनर्जी हाई है, 900 समथिंग किलो जूल पर मोल होता है, और इसकी बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज स्मॉल या वेरी लो। तो बॉन्ड लेंथ ऑब्वियस सी बात है, अगर बॉन्डिंग इनके बीच में स्ट्रांग होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम, और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो ये था इसका रीजन। ओके, नोट कर लेंगे जल्दी से। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, फिफ्थ नंबर, डेंसिटी। अब बात करते हैं डेंसिटी, तो चलिए देखते हैं डेंसिटी। पहले तो मैं आपको रीजनिंग यहां पर समझा दूं, इतनी ज्यादा मेहनत मुझे अगली फैमिली में नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी बातें तो आप समझ ही गए होंगे जनरल, तो वहां पर मुझे सिर्फ उस फैमिली में जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वही पढ़ाना होगा, अभी मेरे को बेसिक से भी स्टार्ट करना है। तो चलिए देखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास अपॉन वॉल्यूम, अब आप सोचिए अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली में NPAs SB और BI इनको देखूं, तो नीचे जाने पर, क्योंकि ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक मास बढ़ेगा। अच्छा, एटॉमिक मास बढ़ेगा तब तो डेंसिटी बढ़ेगी। अब देखते हैं नीचे जाने पर एटॉमिक वॉल्यूम का क्या हो रहा होगा, तो एटॉमिक वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तब तो डेंसिटी कम होगी। तो मुझे अब क्या बोलना चाहिए, खुद ही नहीं समझ में आ रहा, मास बढ़ने से तो डेंसिटी बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी घट रही है, तो फिर इनकी डेंसिटी का क्या होने वाला है। तो आप अगर यहां पर देखें पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं इंक्लूड कर रहा हूं SP DF सभी ब्लॉक को, एलिमेंट्स को, F ब्लॉक में तो कुछ ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ D ब्लॉक एलिमेंट्स तक पढ़ना है, और SPD में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जितने भी फैमिली में आपको देखेगा 99% आपको क्या देखने को मिलेगा, डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज। अब सोचिए जरा यहां पर कि डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो डेंसिटी बढ़ने वाली है, तो अगर डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब एटॉमिक मास क्या हो रहा होगा, डोमिनेटिंग हो रहा होगा विद रेस्पेक्ट टू एटॉमिक वॉल्यूम। ओके, तो इसका रीजन लिख लेंगे यहां पर, इसका रीजन लिख लेंगे एटॉमिक मास, इसका मतलब सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है कि एटॉमिक मास ही डोमिनेंट होगा तभी तो डेंसिटी बढ़ रही होगी नीचे जाने पर, अदरवाइज वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होनी चाहिए। और अगर 90% से भी ज्यादा केसेस में यही मिल रहा है, अगर मैं एक दो एक्सेप्शन की बात छोड़ दूं, उनको जब आएंगे तो मैं उनके बारे में बता दूंगा, तो एटॉमिक मास डोमिनेट ओवर एटॉमिक वॉल्यूम, ओवर एटॉमिक वॉल्यूम। ओके, नोट कर लेंगे ओवर एटॉमिक वॉल्यूम। तो ये थी फिफ्थ प्रॉपर्टी, चलते हैं अगले प्रॉपर्टी में, सिक्स्थ नंबर, डेंसिटी के बाद आते हैं हम लोग NP and BP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये मध्य प्रदेश और ब्लड प्रेशर नहीं है, NP and BP है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, इनका रीजन क्या होगा और ऑर्डर क्या होगा, चलिए देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अपने को बात करना है ना, तो फिर से अपने को कौन कौन से एलिमेंट्स को अरेंज करना है, तो अपने को एलिमेंट्स को जो अरेंज करना है वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, इनमें से मेल्टिंग पॉइंट का क्या होने वाला है। तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो नाइट्रोजन टू आर्सेनिक
मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शुरुआत में इंक्रीज और इसके बाद आर्सेनिक से आर्सेनिक टू बिस्मथ इट विल डिक्रीज। तो अब आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो नाइट्रोजन फैमिली में जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 15 एलिमेंट ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजेस, सेकेंड ऑप्शन है डिक्रीजेस, थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज और फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। अब आपको इस तरीके की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए क्या करना है, आप सभी के पास एनसीईआरटी होगा और एनसीईआरटी में उस पर्टिकुलर फैमिली के लिए एक एनसीईआरटी ने कॉलम बनाया है और वो कॉलम में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो वो कॉलम में यही सारी प्रॉपर्टीज हैं। मैं तो यहां ज्यादा प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं लेकिन उन्होंने डेटा दिया हुआ है कुछ प्रॉपर्टीज का, जैसे कि एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये सारी चीजें, डेंसिटी है ना, तो ये डेंसिटी का जो मैंने ऑर्डर लिखा है आप उसमें से वैल्यू देख सकते हैं। तो क्या करना है आपको, आपको सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करना है, आपको रटना नहीं है वैल्यू क्योंकि आप रट भी नहीं सकते, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं मुझे नहीं याद हुई तो आपको कहां से हो जाएगी एक दो सालों में। तो इसका मतलब क्या है, अपने को उस डेटा को क्यों लिखा गया है, एनसीईआरटी ने जितने भी एनसीईआरटी में केमिस्ट्री लिखा है वो बिल्कुल सफिशियंट लिखा है और बहुत ही अच्छा लिखा है इनऑर्गेनिक के लिए। तो इनऑर्गेनिक में वो जो टेबल बनी है उसका आपको यूज करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त आपको हमेशा वो टेबल अपने सामने रखनी है। अगर आप नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं तो नाइट्रोजन फैमिली की टेबल, ऑक्सीजन फैमिली पढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन फैमिली की टेबल, और उसमें आपको डेटा कंपेयर करना है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है और किसकी वैल्यू कम है। तो एक आपको डेटा वाइज मिल जाएगा रिकॉर्ड कि हाँ इसी की वैल्यू ज्यादा होती है और इसकी वैल्यू कम होता है। ओके, तो नाइट्रोजन फैमिली में मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक तो फर्स्ट तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इंक्रीज एंड देन अप टू बिस्मथ इट विल डिक्रीज। तो अब ऑर्डर क्या बन जाएगा, तो नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक में तो इंक्रीज हुआ, नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक में तो इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर एंटीमनी और बिस्मथ में जाकर क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया, एंटीमनी और बिस्मथ में डिक्रीज होने लग गया। तो इसका परफेक्ट ऑर्डर क्या होगा, तो इसका परफेक्ट ऑर्डर तो तभी मिल पाएगा जब आपके पास डेटा होगा। तो अब आप डेटा निकाल लीजिए और कंपेयर करना स्टार्ट कीजिए। तो आपने वैल्यूज देख ली, तो एनसीईआरटी डेटा में जो टेबल बनी है उसमें डेटा में वो डेटा मैंने लिख दिया है, तो चलिए देखते हैं यही वैल्यूज आपको मिली होंगी। ओके, तो ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में होगा। अब यहां से समझ पाना अपने लिए और आसान है, अगर आपके पास डेटा नहीं है तो ये नोट कर दीजिएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले ही बताया जैसे कि आपको नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक तो इंक्रीज करता है एंड देन आर्सेनिक टू बिस्मथ डिक्रीज करता है। तो चलिए देखिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस और आर्सेनिक देखिए इंक्रीज कर रहा है, देन आर्सेनिक से अगर मैं बिस्मथ देखूं तो आर्सेनिक के बाद एंटीमनी और बिस्मथ डिक्रीज किया नहीं, तो यही मैं आपको बता रहा था फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ऐसे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो इसमें आपको डेटा रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डेटा को ऑब्जर्व करना है कि वैल्यू आखिर कहां जा रही है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या कोई रैंडम चेंज हो रहा है। ओके, तो अब इसका रीजन क्या है, मुझे ये तो समझ में आ गया कि नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक इंक्रीज करता है और आर्सेनिक के बाद डिक्रीज करता है, तो इसका परफेक्ट ऑर्डर बना लेते हैं। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, आर्सेनिक का, उसके बाद किसका हो जाएगा, अब देखिए नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक इंक्रीज करता है, एक बात समझ में आई, आर्सेनिक से डिक्रीज करता है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि नाइट्रोजन की या फास्फोरस की वैल्यू ज्यादा होगी या एंटीमनी बिस्मथ की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये चीजों को पता लगाने के लिए आपको डेटा को भी हेल्प लेना पड़ेगा, डेटा की हेल्प लेना पड़ेगा, तभी आप देख पाओगे। तो मैं आप इजीली बता सकता हूं ऑर्डर क्या है, तो आर्सेनिक का क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा, देन उसके बाद क्या आ जाएगा एंटीमनी, देन उसके बाद क्या आ जाएगा बिस्मथ, देन उसके बाद क्या आ जाएगा फास्फोरस एंड देन लास्ट नाइट्रोजन। और आप वैसे भी सोचिए यहां पर स्ट्रेस फॉर्म में ऐसा बताया गया है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ऑर्डर है ना, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ
एमपी, ऑर्डर तो खैर ऊपर लिखा ही है एमपी, तो ऑर्डर ऑफ एमपी। अब चलते हैं इसके रीजन की वजह तरफ। तो रीजन क्या होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे किसी भी फैमिली को लेकर मेल्टिंग पॉइंट का रीजन पूछा जाए, तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट का रीजन क्या होगा, मैं आपको एक यूनिक सा पॉइंट बता रहा हूं और वो हर जगह फिट होता है। उस चीज को लाने के लिए, उसकी रीजनिंग में, उसकी रीजन तक पहुंचने के लिए हो सकता है आपको प्रॉपर्टी में इधर उधर घूमना पड़े, बट मेन रीजन वही होता है। तो बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो किसी भी फैमिली में डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है या रैंडम चेंज आता है, वो किस वजह से आता है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा होगा पैकिंग एफिशिएंसी। तो जो भी हमारा सॉलिड है, जो भी हमारा कंपाउंड है, जो भी हमारा मॉलिक्यूल है, वो कितना वेल पैक्ड स्ट्रक्चर शो कर रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज पर डिपेंड करता है। तो अगर पैकिंग एफिशिएंसी बहुत हाई है, बहुत अच्छी पैकिंग है, वेल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स अगर बनता है, तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। और अगर वेल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कम आएगा। ओके, ये प्रॉपर्टी को आप पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर भी लगा दो, हर जगह फिट बैठेगा। अब आपको यह समझना पड़ेगा आखिर पैकिंग एफिशिएंसी क्यों बढ़ रही होगी, क्यों कम हो रही होगी। तो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, बट मेल्टिंग पॉइंट में बिल्कुल भी आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि यहां पर जरूर पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा रही होगी, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आया। जैसे आप कार्बन में डायमंड को ही ले लो, तो डायमंड में क्या होता है, वेरी जेंट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी जेंट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से वेल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनता है। तो वेल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनने की वजह से क्या होता है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी होती है, हालांकि परसेंटेज में उतना नहीं जाता है, बट नेटवर्किंग की वजह से जितने भी जेंट नेटवर्क सॉलिड हैं उनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, एमपीबीपी दोनों ही हाई होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट का आप रीजन लिख लेंगे, ड्यू टू वेल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, ड्यू टू वेल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, ड्यू टू वेल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स देयर पैकिंग एफिशिएंसी इज हाई, सो एमपी इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक। ये बात तो समझ में आ गई कि नाइट्रोजन से आर्सेनिक जाने पे आपको क्या मिल रहा होगा, पैकिंग एफिशिएंसी हाई मिल रही होगी। वैसे भी नाइट्रोजन N2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसको बहुत ही कम टेम्परेचर 63 केल्विन आप देख ही सकते हैं डिग्री सेल्सियस में कितना कम होगा, तो वहां पर इसको मेल्ट करने की बात की जा रही है। ओके, तो आगे जाने पर तो इंक्रीज हो गया, ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि मेल्टिंग पॉइंट में इंक्रीज हो गया। फिर आखिर एंटीमनी और बिस्मथ में क्या हुआ, एंटीमनी और बिस्मथ में आखिर मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों आया, तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर एक प्रॉपर्टी है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि ग्रुप में डाउन द ग्रुप ज्यादा दिखाई देता है और सिर्फ लास्ट और सेकेंड लास्ट एलिमेंट पे ही इनर्ट पेयर इफेक्ट की प्रॉपर्टी परफेक्टली अप्लाई होती है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है ये भी आपको समझ लेना चाहिए, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये सब आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ना चाहिए था, इसीलिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री SPDF ब्लॉक पढ़ने से पहले आप पी ब्लॉक, तो आप पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द टेंडेंसी आप लोग लिख भी सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट नॉट टू पार्टिसिपेट देयर s इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट नॉट टू पार्टिसिपेट देयर s इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसे कहेंगे
s इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं, एलिमेंट अपना s इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम रखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं रखता है, बना तो सकता है लेकिन बनाने की टेंडेंसी कम रखता है। तो s इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोवैलेंसी उतनी बड़ी नहीं आएगी। तो कोवैलेंसी अगर उतनी ज्यादा नहीं आएगी तो वेल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स भी नहीं बनेंगे, और अगर वेल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा फर्क किस पे पड़ रहा है, पैकिंग एफिशिएंसी पे। और पैकिंग एफिशिएंसी पे पड़ रहा है इसका मतलब क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो यहां पर आप आगे इसका रीजन लिख लेंगे इसके आगे भी, इन केस ऑफ एंटीमनी एंड बिस्मथ, इन केस ऑफ एंटीमनी एंड बिस्मथ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ओके, तो ये तो हो गया। तो चलिए बीपी देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में अगर मैं देखूंगा तो नीचे जाने पे डाउन द ग्रुप थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है, सिर्फ किसको छोड़कर, बिस्मथ को छोड़कर लगातार इंक्रीज हुआ एक्सेप्ट बिस्मथ। ओके, तो लिखेंगे कैसे, बीपी इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू एंटीमनी, है ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप बीपी इंक्रीजेस थ्रू आउट एक्सेप्ट बिस्मथ। ओके, एक्सेप्ट बिस्मथ। तो अब इसका रीजन क्या है, क्यों आखिर बीपी लगातार इंक्रीज हो रहा है और लास्ट में बिस्मथ के केस में कम हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट इन चीजों पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट के यूनिक रीजन बताया, वैसे बॉइलिंग पॉइंट का भी यूनिक रीजन होता है। तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट पहली चीज तो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है। तो मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने से, मोलर मास के बढ़ने से क्या होता है, एटॉमिक मास के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। लेकिन अगर वो एलिमेंट कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो भले ही उसका एटॉमिक मास या मोलर मास कम हो लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और तीसरा रीजन है वॉन्डरवॉल फोर्स। तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि वॉन्डरवॉल फोर्स के घटने और बढ़ने से भी बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ता है। तो ये तीन ही प्रॉपर्टी काम करती है, मोलर मास, एच बॉन्डिंग एंड वॉन्डरवॉल फोर्स। ओके, तो देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन से लेकर थ्रू आउट इंक्रीज होता है बिस्मथ को छोड़कर, यानी नाइट्रोजन से लेकर एंटीमनी तक तो इंक्रीज ही होता है। तो रीजन क्या है, तो रीजन लिख लेंगे, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन वॉन्डरवॉल फोर्स। वॉन्डरवॉल फोर्स, तो वॉन्डरवॉल फोर्स के बढ़ने की वजह से, वॉन्डरवॉल फोर्स के बढ़ने की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन से लेकर एंटीमनी तक इंक्रीज हो रहा है। बिस्मथ में फिर क्या हो गया, तो बिस्मथ में मैंने आपको बताया इनर्ट पेयर इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है और इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं बना पाया। यानी कि ये तो मेल्टिंग पॉइंट का रीजन था। अब आपको अगर मैंने बताया कि ये वॉन्डरवॉल फोर्स की वजह से हो रहा होगा, इसका मतलब वॉन्डरवॉल फोर्सेस इतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लेंगे, इन केस ऑफ बीआई वॉन्डरवॉल फोर्स इज वीक, वॉन्डरवॉल फोर्स इज वीक। ओके, नोट कर लेंगे इसे। तो चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, सेवन नंबर
अगली प्रॉपर्टी है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ये प्रॉपर्टी क्या है? तो अगली प्रॉपर्टी है आपकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। चलिए देखते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा एटॉमिक रेडियस की। एलिमेंट कौन कौन से? फिर से वही नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो पहले मैं बात करूंगा एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस में देखते हैं एटॉमिक रेडियस। ओके, तो एटॉमिक रेडियस में नीचे जाने पर साइज क्या होता है? तो डाउन द ग्रुप आप सभी ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज करता है। तो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, उससे बड़ा फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, देन बिस्मथ। ओके, तो ऑर्डर तो बिल्कुल यही रहेगा। हाँ, यहां पर जरूर आप ध्यान रखिएगा, यहां पर साइज डिफरेंस इज वेरी लेस, और वो लगभग 7-8 पिकोमीटर का ही होगा। ये 141 आई थिंक, और ये 148 के आसपास होगा। तो इसमें 7-8 पिकोमीटर का ही डिफरेंस होगा। तो साइज डिफरेंस बहुत कम है, और साइज डिफरेंस बहुत कम है इसका रीजन क्या है? ड्यू टू, आप सोचिए, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिर फिफ्थ पीरियड के बाद आए सिक्स्थ पीरियड में। ओके, तो ये लास्ट में साइज डिफरेंस कम क्यों होने लग गया? तो लास्ट में साइज डिफरेंस कम होता है ड्यू टू लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर मैंने आपको रीजन भी बता दिया। हालांकि ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नीचे जाने पर लगातार इंक्रीज हो रहा है, बट अगर आप वैल्यूज को ऑब्जर्व करेंगे, मैं इसीलिए आपको बोलता जा रहा हूं एनसीईआरटी साथ में रखिए और वैल्यूज को देखते जाइए। तो अगर आप वैल्यूज पे ध्यान देंगे तो एंटीमनी और बिस्मथ में साइज का डिफरेंस बहुत कम दिखेगा, और उसका रीजन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से बिस्मथ का साइज उतना नहीं बढ़ पाया, साइज कम ही रह गया। ओके, तो एटॉमिक रेडियस का मतलब हो गया थ्रू आउट इंक्रीजेस, तो कोई भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला। चलिए आयनिक रेडियस पे बात करते हैं। तो अब आते हैं आयनिक रेडियस पे। तो आयनिक रेडियस की बात करते हैं। तो आयनिक रेडियस की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन से लेकर और आर्सेनिक तक, नाइट्रोजन टू आर्सेनिक फिर से इंक्रीज हुआ। ओके, एंड एंटीमनी और बिस्मथ के केस में क्या होने लगा? देन डिक्रीज। तो नाइट्रोजन टू आर्सेनिक इंक्रीज हुआ और फिर उसके बाद क्या होने लग गया? डिक्रीज। तो डिक्रीज में भी आप समझ लेंगे एंटीमनी और बिस्मथ में किसका होगा, तो एसबी और बीआई में किसका ज्यादा होगा? तो बिस्मथ का ज्यादा होगा। अब इस बात को कैसे समझें? तो ऐसा क्या हो रहा होगा यहां पर, इसका रीजन क्या होगा कि नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक तो इंक्रीज करता है लेकिन फिर उसके बाद डिक्रीज करने लगता है, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ में अगर देखा जाए तो बिस्मथ का ज्यादा होता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप इसमें आयन का चार्ज देखेंगे तो आपको यह बात तुरंत समझ में आ जाएगी। नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, N-3 आयन के फॉर्म में होगा, Pb-3, Asb-3, लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ +3 शो करेंगे। एंटीमनी और बिस्मथ +3 शो करेंगे, ये -3 नहीं शो करेंगे। तो अब आप ऐसे ही समझो कि अगर कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस देखोगे तो एनायनिक रेडियस ही ज्यादा आएगी, और एनायनिक रेडियस ज्यादा आ रही है का मतलब तो ये हुआ। और अब अगर मैं बात करूं एंटीमनी और बिस्मथ में, तो एंटीमनी और बिस्मथ में कैटायनिक रेडियस है। अब इसमें भी अगर देखा जाए तो बिस्मथ का साइज नीचे जाने पर कुछ तो इंक्रीज हुआ था ना, एटॉमिक साइज क्या हो रहा था? इंक्रीज। आपको मैंने यहां पर देखिए ऑर्डर लिखा है, तो साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें +3 +3 चार्ज सेम है, तो इसका मतलब इसका ज्यादा होगा। अब इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? तो इसका ज्यादा होगा। अब देखिए आपने ऐसा तो बना लिया ऑर्डर, लेकिन मैं अभी ये नहीं समझ पे आया कि सबसे ज्यादा तो वैल्यू किसकी होगी? आर्सेनिक की।
अब उसके बाद किसकी रखें, फास्फोरस की रखें या एंटीमनी की रखें? तो विदाउट डेटा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक बार डेटा फिर से आप ऑब्जर्व कर लीजिए, AF3- के बाद आएगा P3-, क्योंकि एनायनिक रेडियस डोमिनेंट करेगी, ओके। देन उसके बाद आएगा N3-, देन उसके बाद अब आएगा Bi+3 और सबसे लास्ट में आएगा Sb+3। तो ये हो गया हमारा आयनिक रेडियस का ऑर्डर, ओके। तो रीजन आपको मिल गया कि ये एनायनिक रेडियस शो करते हैं और ये कैटायनिक रेडियस शो करते हैं। तो आप जल्दी से लिख लेंगे, ड्यू टू एनायनिक एंड कैटायनिक रेडियस, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा, कैटायनिक, ड्यू टू एनायनिक एंड कैटायनिक रेडियस, ओके। तो ये था हमारा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। अब बात करते हैं नेक्स्ट 8th प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसको शॉर्ट में हम ईएन बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर क्या है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, किसी भी फैमिली में जो पहला एलिमेंट होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह क्या है, उसका साइज, साइज छोटा होने की वजह से अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। अगर आप किसी भी फैमिली में देखेंगे तो पहला एलिमेंट आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ भी एक्सेप्शन टाइप का नहीं है, एक्सेप्शन कुछ होता नहीं है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपके माइंड में ये है कि एक्सेप्शन का मतलब होता है रटना, तो ये गलत है। यहाँ पर आप देखिए, मैंने जितने भी आपको ऑर्डर बताए हैं उनकी प्रॉपर रीजनिंग बताता गया हूं। एक्सेप्शन सिर्फ ये है कि औरों से, नॉर्मल से अलग बिहेवियर शो करना। इसको दूसरे लोग किस तरीके से समझते हैं, इसको लोग समझाते भी गलत तरीके से हैं। एक्सेप्शन का मतलब रटना, तो रटना नहीं होता है। अब अगर इन्हीं सारी चीजों की रीजनिंग आपको पता है तो देखिए कितने अच्छे तरीके से सारी चीजें चल रही है और आपको रीजन के थ्रू सब समझ में आ रहा है। और अगर नहीं पता होता तो क्या होता, फिर आप भी रटने लगते और सारे वैल्यू उठा उठा के लिखने लगते और कहते कि ये रटना है, बट ये रटना नहीं है। अगर आप प्रॉपर रीजनिंग के थ्रू समझेंगे तो आपको उसमें भी इंटरेस्ट आएगा और आपको समझ में आने लगेंगी बातें। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात करता हूं। तो नीचे जाने पर क्या होगा, वैसे भी ये तो मेटल है, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी, तो फिर इस तरीके से क्या होने लगेगा, डिक्रीज। और यहां पर आप बात समझ लीजिए, एंटीमनी और बिस्मथ में अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। आप अगर वैल्यू देखेंगे तो 1.9 दोनों की होगी, ओके। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस एंड एंटीमनी एंड बिस्मथ की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अप्रोक्स होती है। अब ये अप्रोक्स क्यों होने लग गई, इसका भी रीजन लिख लीजिए। तो इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज डिफरेंस, जो कि आपने ऊपर देखा था, वेरी स्मॉल साइज डिफरेंस, लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन, उसी वजह से, स्मॉल साइज डिफरेंस होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं इक्वल, अप्रोक्स क्यों लगाया है, क्योंकि इसके आगे का डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ करके यहां तक ले आए, ओके। तो इसको नोट कर लेंगे। और यहां पर क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो वो मैंने बता दिया, साइज इसका सबसे छोटा है और इसका बढ़ता जा रहा है, इस वजह से इसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो नोट कर लेंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही, आज का ये लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, ओके, थैंक यू।